जी मोहम्मद तस्मीर और उमर अनवर, आवाज आ रही बेटा आप दोनों को मेरी? यस सर, आ रही आवाज। अच्छा बस 5 मिनट्स बेटा रुको, अभी 10 बजे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, और बच्चे और आ जाए तो फिर स्टार्ट कर।
बेटा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ बच्चों ने हमें आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो उनकी आईडी का प्रॉब्लम हो रहा है लॉगिन करने में, वो लॉगिन कर रहे हैं, बस 2-3 मिनट मुझे और दें फिर स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक काफी टाइम हो गया है, 10 मिनट्स हो गए, हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स डू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। कुछ बच्चे हमारे पास आज नए हैं तो मुझे याद भी नहीं है कौन पहले, एक दो बच्चों के नाम तो मुझे याद हैं, अखिलास आ रहे थे हमारे पास पहले और मोहम्मद अनवार पहले से आ रहे थे, बट देन कुछ स्टूडेंट्स नए हैं। अनस असलम बेटा, इज इट योर फर्स्ट क्लास? माइक अनम्यूट करके बताएं। जी सर, फर्स्ट टाइम है। आप कौन से स्कूल से आए हैं बेटा हमारे पास? सीनियर सामिया पब्लिक स्कूल। ठीक है, आप प्री मेड स्टूडेंट हैं, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं? प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में कि अभी हमने कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया है और आप कैसे कैचअप करेंगे उसके साथ। जी फला जैनब,
Yes, sir. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes. Yes. Sir, this is my first class and I am from Beacon Light Academy. So, yeah. Beacon Light. You have done EdExcel, right? Yeah, EdExcel IGCSE. Okay. So, and I can see Maria, is it your first class? Yeah, aap classes le rahi thi hamare saath pehle? So, your second class, sir. Okay, so aapne Google Classroom join kiya hua, right? Yeah. Okay, Mohammed Salman. Yes, sir. Is it your first class? Yes, sir. Kaun sa school se beta? The Hub School. Wahan jo send mein the aap? The Hub School. The Hub mein the aap, theek hai. Achha, to abhi main thoda sa aapko batata hu. Mohammed Tasmeer. Yes, sir. This is my first class. And from which school you have joined us? Karachi Public. KPS. Okay. And Mohammed Zayan Sohail. Yes, sir. Is it your first class, Rita? Yes, sir. Or which school are you? Karachi Public School. You have KPS. Nasir Hussain. Yes, sir. This is my first class. And from which school you have joined us? Sir, Karachi Public School. अच्छा सो जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूं जल्दी से बिफोर वी प्रोसीड. हम इस तरह पढ़ रहे हैं कि मैंने आपका गूगल क्लासरूम के ऊपर एक सेक्शन बनाया हुआ है. अच्छा आप में से जो बच्चे गूगल क्लासरूम के साथ अवेयर नहीं है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा बच्चे हैं, ये एज एन एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाता है और चाहे तो आप इसको गूगल क्रोम में डायरेक्ट खोल सकते हैं. पर गूगल क्रोम में डायरेक्ट खोलने से पहले आपको गूगल क्रोम में अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करना पड़ती है. यहाँ पे जब आप जीमेल आईडी अपनी एक दफ़ा यहाँ इनपुट कर देंगे गूगल क्रोम में, तो बस आपने यहाँ पे एड्रेस बार में जाके गूगल क्लासरूम लिखना है और ये डायरेक्ट खुल जाएगा. वहाँ जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है क्लासेस का. क्लासेस में ये प्लस का साइन आएगा ऐड का, तो ज्वाइन क्लास में जाएं. ज्वाइन क्लास में आपसे क्लास कोड मांगता है वो. वहाँ उस क्लास कोड के अंदर आप ये कोड ऐड करेंगे. आप लोग ASA हैं, राइट? ये कोड ऐड करेंगे. दिस इज़ योर गूगल क्लासरूम कोड. ये मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ. सबसे पहले तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग जल्दी से यहाँ ज्वाइन कर लें हमें. एक सेकेंड जी, कुछ बच्चों ने किया हुआ है. मैं जरा दोबारा से आपको दिखा के भेज दूं. ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कोड भेज दिया. ठीक है, कुछ और जी. सलमान ने ज्वाइन कर लिया है, तस्मीर ने ज्वाइन कर लिया है, फला ने भी ज्वाइन कर लिया है. किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है अभी ज्वाइन करने में, क्योंकि अभी टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास ऑनलाइन ही अभी 11 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी भी कम से कम 4 स्टूडेंट्स रहते हैं ज्वाइन करने से. प्लीज़ जल्द से जल्द ज्वाइन करें. 8 हो गए, 3 बच्चे अभी भी आई एम वेटिंग. किन 3 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है बेटा?
जी नासिर हुसैन आप नजर नहीं आ रहे मुझे इसमें लिस्ट में, कोई इशू आ रहा है बेटा आपको? और आफिया जफर सर स्मॉल इशू था, मैं आ रहा हूँ, मैं हो गया सॉल्व हो गया, मैं आ रहा हूँ, ज्वाइन हो जाएगी। जी आफिया आप माइक से कनेक्टेड नहीं है बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है मुझे, नहीं, नहीं, मेरा थोड़ा सा स्मॉल इशू था। आप की बात मैंने सुन ली, मैं आफिया एक और स्टूडेंट है उनसे मुखातिब हूँ। आफिया ओके यानी हाँ, तो बाकी 10 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है गुड, आउट ऑफ 11। सो अब आप सबने ये करना है कि इसमें क्लास वर्क में जाएंगे, वहां पर बुक्स के सेक्शन में दो बुक्स मैंने अपलोड की हैं, या आपकी सिलेबस की बुक्स हैं तो जिन बुक्स से आपने पढ़ना है ये वो अपलोड हुई हुई हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। जब आप स्कूल स्टार्ट होंगे तो आप इसकी हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं, तो अभी आप सॉफ्ट कॉपी यूज़ करें। देन हमने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया वो मोल्स है, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि मैं आपसे सिलेबस शेयर कर दूँ जल्दी से। सर आप कौन सी बुक रेकमेंड करते हैं? बेटा ये दोनों इंडोर्स बुक्स हैं, दोनों यूज करनी है आपने। मतलब ये कैम्ब्रिज की अपनी रिटन बुक्स हैं और उनके एग्जामिनर्स ने लिखी हैं जो आपके पेपर सेट करते हैं। एक रॉजर नॉरिस हैं वो भी आपका एग्जामिनर है, और एक पीटर कैन है। पीटर कैन की एक अपनी बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जिनकी ये दूसरी वाली बुक है ना, ये रेड वाली, ये वाली बुक जिनकी है, उनकी बहुत डिटेल वेबसाइट भी है ये। इन की जो वेबसाइट है उसका नाम है camguide.uk.org.uk camguide लिखकर अगर आप सर्च करेंगे ना तो ये आ जाएगी। बहुत ही फेमस वेबसाइट है, बहुत बच्चे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ना हर किस्म के जो बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम्स आते हैं ना किसी भी चैप्टर के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट दिए हुए हैं। इवन पास पेपर्स के अंदर बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे, आपको देखने में ये छोटा सा पेज फ्रंट पेज लग रहा होगा पर ये बहुत ही डिटेल्ड वेबसाइट है, जब आप उसको खोलेंगे इसमें बहुत कंटेंट है, ठीक है। तो ये इनकी अपनी वेबसाइट है। तो एनीहाउ मैं आपसे सिलेबस शेयर कर रहा था, तो सिलेबस के हवाले से हमने मोल इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जिन बच्चों के आज फर्स्ट क्लास है उन्हें बताता चलूँ कि हमारे पास सिलेबस के अंदर सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला कंटेंट जो हमारे पास है वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह हम चलेंगे। हमें 18 तक पढ़ना है, ठीक है, 18 तक 19 तक जो चैप्टर्स हैं ना हमारे, ये AS के फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं। आगे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो एटम मॉलिक्यूल्स एंड स्टोइकोमेट्री, मतलब मोल्स का चैप्टर है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, फॉलोड बाय केमिकल बॉन्डिंग। हम इसी ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पढ़ेंगे। तो ये जो सेक्शन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है ये आपके मिड ईयर तक का सिलेबस होगा मेरे साथ। अगर आप इसका इंडिपेंडेंट कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट कॉन्टेंट जो है वो आपको सिलेबस में आगे मिल जाएगा यहाँ पे। और इनफैक्ट जो मैं नोट्स बच्चों को देता हूँ उसमें ये सिलेबस लगा हुआ होता है। तो आपका जो ये फोरम है इसमें जब आप मोल्स का टॉपिक खोलेंगे तो मोल्स के टॉपिक में आपको तीन कंटेंट नजर आएंगे। सबसे पहला CH1 चैप्टर 1 मोल्स जो लिखा हुआ है, ये पास पेपर्स हैं। इसमें देखें सिलेबस लगा हुआ है, तो आपको सिलेबस में जाके सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक के पास पेपर्स और उसके नोट्स में पहले सिलेबस लगा हुआ होगा। इसका हम 1.1, 1.2 और 1.3 कवर कर चुके हैं, 1.4 भी अवेलेबल में था। आज हमारा टॉपिक 1.5 के ऊपर बेस करेगा, ठीक है,
कि हम किस तरीके से मास टू मास कैलकुलेशन करते हैं, इक्वेशंस किस तरह लिखते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी वन हम आज पढ़ेंगे 1.5 का. राइट एंड कंस्ट्रक्ट बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशंस को लिखना और उन्हें बैलेंस करना. एंड वी हैव टू परफॉर्म कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन डायरेक्ट रेशियो मेथड से होती हैं, मास टू मास रेशियो से बच्चे करते हैं. कुछ मेथड में पहले मोल मेथड यूज होता है कि हर चीज को मोल में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकाला जाता है. तो दोनों से कैलकुलेशन करानी है इन्होंने कहा है. पार्ट बी वन में पहले मासेस की कैलकुलेशन करानी है, फिर वॉल्यूम से करानी है. तो मैं आज पहले आपको मासेस की कैलकुलेशन सिखाऊंगा. तो जिन बच्चों की हमारे साथ फर्स्ट क्लास है, ये आपके पास है. अच्छा, इसके नीचे जो नोट्स लगे हुए हैं ये थोड़े से रिविजन गाइड टाइप नोट्स हैं, थोड़े शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है. और ये आपके पास पेपर्स हैं, पहले एमसीक्यूज हैं बहुत सारे, ये सारे कैम्ब्रिज के एमसीक्यूज हैं. नीचे एयर रेफरेंसेस लिखे हुए किस किस साल के एमसीक्यूज हैं. और आगे जब आप जाएंगे, मैं इससे जल्दी से आगे बढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है. ये थ्योरी पेपर टू में आते हैं और पेपर उसके भी मार्किंग स्कीम साथ में अटैच है. हमें थोड़ा टाइम लगेगा पूरा करने में, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है. और हैविंग सेड दिस, तो नेक्स्ट कंटेंट आपको इसमें मिलेगा. दीज आर द नोट्स, ये मैं हैंड रिटन नोट्स हैं. ये मैं जिस तरह पढ़ाता जा रहा हूँ मैं ये नोट्स बनाता जा रहा हूँ. तो आपने जो कंटेंट मिस किया था उसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ मेरे पास, मतलब मैंने वो रिकॉर्ड कर ली थी, स्कूल के पास भी रिकॉर्डेड है. तो जूम सेशन रिकॉर्डेड आपको मैं यहाँ अपलोड करके दे देता हूँ. इन द मीन टाइम आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं. नोट्स में जहाँ तक काम हुआ है वो हम सब पढ़ चुके हैं. अच्छा, नोट्स ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें सिर्फ 7 पेजेस लिखे गए. तो ये 7 पेजेस से आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा नोट्स अपडेट होते जाएंगे वक्त के साथ साथ, ठीक है. तो आपको हर चैप्टर के इस तरह के पूरे पूरे रिटन नोट्स मिलेंगे. उसके अलावा ये वीडियो जो हमारा आज का टास्क है, तो अब थोड़ा सा हम समझें, आप समझें कि हम क्लासरूम को, क्लासरूम की जो टीचिंग की आदत है बच्चों की, उसको हम ऑनलाइन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं. एक बच्चे जब क्लासरूम में जाते हैं तो वो टीचर से, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा होता है, उसको देखकर वो चीज़ों को समझ रहे होते हैं. तो वो ये वीडियो है, ठीक है. इस वीडियो का जब अभी आप देखेंगे तो ये क्लासरूम टीचिंग को कंपनसेट कर रही है. उसके बाद ऑब्वियसली बच्चे टीचर से सवाल पूछ सकते हैं अगर उन्हें बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा होता. तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप चैट में लिख सकते हैं या अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं. जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल होऊंगा. इसके अलावा बच्चे अपने नोट्स बनाते हैं, तो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, पर अगर नहीं बना पा रहे तो आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, वो नोट्स बनाकर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है. और फिर पास पेपर्स बच्चे करते हैं, तो पास पेपर्स मैं अपनी सुपरविजन में खुद कराऊंगा आपको, जैसे हम अभी करेंगे. और हर चीज़ क्योंकि रिकॉर्डेड है तो वो दोबारा यहाँ थोड़े दिनों में अपलोड हो जाएगी. जो भी सेशन है, इवन ये वाला सेशन भी रिकॉर्डेड है, ये यहाँ अपलोड हो जाया करेगा थोड़े दिनों में. तो आपका रिकॉर्ड बिल्डिंग होगी, आप बाद में भी अगर आकर देखना चाहेंगे इन सारे कंटेंट को रिविजन पर्पज के लिए, तो वो अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है. आई होप ये सबको क्लियर है. अभी आपका टास्क ये कि आप इस मोल के थ्रेड को खोलें और ये वीडियो स्टार्ट करें, विच इज़ ऑफ 20 मिनट. अभी 10:25 हो रहे हैं, 20 मिनट्स का मतलब है 10:45 तक आप ये वीडियो ख़त्म कर लेंगे. और उसके बाद फिर मैं आपको इससे रिलेटेड मज़ीद कुछ, ये 4 क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए, क्योंकि इसके अंदर मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ मैं वीडियो के अंदर. ये 4 क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा टू सी के आपको कितना समझ में आया वीडियो से, ठीक है. ये सीआई के क्वेश्चन ही हैं. स्टार्ट करें बेटा ये. अच्छा, काफ़ी और बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है अभी. आप में से कौन कौन स्टूडेंट जो हैं वो गूगल क्लासरूम पे नहीं है बेटा, कैन यू रेज योर हैंड्स. जी आफिया, आप नहीं है, आपको काफ़ी देर से कॉल आउट कर रहा था, आपको आवाज़ जा नहीं रही थी. जी सरोज हसन, आप हैं गूगल क्लासरूम पे, आई डोंट थिंक. अच्छा, आपने ही करना है आफिया, कि मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक, आप दोनों अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो होंगे, वहाँ पे मैंने गूगल क्लासरूम की जो है ना ज्वाइनिंग आईडी भेजी है, जल्दी से जाके बेटा ज्वाइन कर लें, ये आईडी है वो बाय द वे, ठीक है. और अगर आपको नहीं पता गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन करते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं.
अच्छा, ये ज्वाइन करने के बाद आप ये मोल्स के कंटेंट में जाने के बाद ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए सर?